अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शेख कादरी, सीईओ कारवाने अलगेजा ट्रेवल एंड टूर्स। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सुकून हो चुका है। रबी नूर शरीफ की वजह से जो मदीना पाक के अंदर जो रश था, तकरीबन रश छट रहा है और अब मदीने में होटल भी कुछ मामला बेहतर होते जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो लोग ये बात करते हैं ना अक्सर कि यार खुद जाके होटल करवा लेंगे, वहाँ पे जाके खुद होटल देख लेंगे, यार सस्ते मिलते हैं, ये मिलता है, खुद करवा लेंगे, यार कोई मसला नहीं होगा, करीब होटल ले लेंगे। कल का मैं एक तजर्बा शेयर करता हूँ। मैं ट्रेवल एजेंट हूँ इसलिए नहीं कह रहा मैं आपसे, मैं अपना एक तजर्बा शेयर करता हूँ आपके साथ। हुआ ये कि मेरी एक फैमिली पाकिस्तान से आ रही थी, इनके दो ट्रिपल बेड थे, बेड के कमरे थे, स्काई व्यू होटल के अंदर, प्रॉपर 4 स्टार होटल है, जो मैं पाकिस्तान से तकरीबन 220 रियाल का मैं परचेज़ करके आया था पर नाइट। ठीक है, उस फैमिली के कोई 4400 रियाल बने, 10 रातों के, दो कमरे थे। अच्छा, अब वो फैमिली मक्का पाक से चली, मुझे कहा कि शेख भाई हम मदीना 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, मैं उनसे रबते में रहा। तो इस दौरान यहाँ पे मदीने की हालत हम देख रहे थे, मदीने में मेन मरकज़िया के अंदर जो ट्रिपल 3 स्टार 2 स्टार जो मरकज़िया, बेटा मरकज़िया दिखाओ, ये देखें, ये है सारा मरकज़िया और ये मदीना मुनव्वरा यानी मस्जिद नबी शरीफ के रिडार के अंदर 300 मीटर के अंदर ये मरकज़िया फैला हुआ है। यार इसके जो नॉर्मल होटल है ना वो भी 250 रियाल तक चले गए थे, समझ रहे हैं। और मेरी फैमिली की जो बुकिंग थी, जो मेरे से जो हमारे कस्टमर की बुकिंग थी स्काई व्यू होटल की, जो प्रॉपर 4 स्टार होटल है। अच्छा, हम यहाँ की हालत देख रहे थे, फिर एक अपना एक रूम चाहिए था, उसके लिए हम बंगाली पाड़े चले गए। बंगाली मार्केट यहाँ से तकरीबन, बंगाली मार्केट यहाँ से, या पीछे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग, इसके पीछे बंगाली मार्केट है, पुल के बाद ना 500 मीटर 400 मीटर पर बंगाली मार्केट है, वहाँ पे नॉर्मल बिल्डिंग है और छोटे छोटे कमरे। उसका रूम रेट यहाँ पे बंगाली हजरात और एजेंट हजरात उसका 350 रियाल पर नाइट चार्ज कर रहे थे। अब आप सोचिए कि मरकज़िया के अंदर, क्योंकि मैं पाकिस्तान से होटल करके आया तो मुझे 220 रियाल का कमरा मिला पर नाइट, और वो बंगाली पाड़े के अंदर 400 450 350 इस तरह कमरा का रेट चल रहा था। तो ये कहना कि यार खुद जाके होटल कर लेंगे उस टाइम में तो अभी भी थोड़ा बेहतर है, जिस टाइम में सीज़न ना हो, रश ना हो, तो उस वक्त तो चलो समझ में आता है, लेकिन रश के टाइम के ऊपर कोशिश करें कि आप पाकिस्तान से होटल करके आएँ। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि मैं अपने लिए नहीं कह रहा ना, अपने दूसरे ट्रेवल एजेंट भाइयों की फेवर में कह रहा हूँ। कम से कम ये है कि जब आप पाकिस्तान से होटल करवा के आते हैं तो आप पाकिस्तान में किसी को पकड़ सकते हैं। एग्जांपल, अगर किसी ने मुझसे करवाया कि यार शोएब भाई होटल नहीं मिल रहा, अच्छा यार मैं देखता हूँ, आप मुझसे पकड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे अच्छी बुरी बात भी बोल सकते हैं, इसी तरह दूसरे एजेंट को भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप कोस्टिंग करके आते हैं 200 रियाल की, और यहाँ पे अगर आपको कमरा मिल जाए 400 रियाल का, 350 रियाल का, तो आप सोचें आपकी कोस्टिंग कहाँ खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान से होटल करके आएँ, अच्छे इदारों से उमरा पैकेज लें, मुस्तनद इदारों से उमरा पैकेज लें। सोशल मीडिया का टाइम है बॉस, अब तो आप देखें हमारी रेटिंग्स, आप देख लें कारवाने फलकरजा का यूट्यूब चैनल देख लें, फलकरजा ट्रेवल एंड टूर्स का आप फेसबुक पेज देख लें, मेरी मालूम निकाल लें। इसी तरीके से बहुत ज़बरदस्त एजेंसी हैं, उनके साथ आप लोग आएँ तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ पे तो भाई फिर ये अरबी और जो बंगाली है ना पूछते भी नहीं है, खली वली, भाई रूम नहीं मिल रहा, 400 रियाल का कमरा, अब आपके साथ बीवी है, आपके साथ बच्चे हैं, सामान है आपके, 4-4 पाकिस्तानी, तो माशाल्लाह फिर बैग भी ज़्यादा ज़्यादा होते हैं, सही है। तो आप लोग पाकिस्तान से रूम करके हैं, इसी में फ़ायदा है। आए मैं आपको मदीना मुनव्वरा की थोड़ी सी गलियाँ दिखाता हूँ। अभी हम अपने एक होटल से दूसरे होटल की तरफ जा रहे हैं। एज ए ट्रेवल एजेंसी का ओनर रफीक, मतलब रफीक मेरे लिए मेरे भाई से भी बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरे साथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम दोनों भाई रफीक और मैं मदीना मुनव्वरा में, जैसा कि आपको बताया आप हमारे व्लॉग्स भी देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेज डे बाय डे ग्रोथ करता जा रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं। तो अभी हम एक होटल से दूसरे होटल की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए सारा मरकज़ी है, ये सामने सरकार अली सलातुसलाम का रोज़ा मुबारक है। तो अब ये मदीना मुनव्वरा की पुरकैफ सादत हैं, पुरकैफ मनाजिर हैं। ये देखें भाई, ये रफा वाटर,
मदीना मुनव्वरा के अंदर के सबसे बड़ा मसला मदीना हो के मक्का हो मसला तो नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी थोड़ा सा भाई जब आते हैं यहाँ पे तो वो होटल के अंदर जाते हैं और ट्रेवल एजेंट से पहला सवाल करते हैं, यार होटल में पीने का पानी नहीं है। तो भाई पीने का पानी 5-स्टार होटल के अंदर भी शायद मिलता हो, मदीना मुनव्वरा के होटल हों चाहे मक्का पाक के होटल हों, उसमें पीने का पानी नहीं होता। बात से आप कहेंगे कि यार ये शुएब भाई क्या बात कर रहे हैं कि पीने का पानी नहीं होगा तो इंसान किस तरह गुजारा करेगा। तो गुजारा इस तरह करेगा कि यहाँ पे बोतल्स मिलती हैं, आप बोतल ले लें, खाली बोतल लेके हरम जाएं और वापसी के अंदर बोतल भर के जमजम भर के अपने होटल पे आएं और उसी पानी को आप पिएं। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर पीने का पानी मैनेज करना, जहाँ पे हज़ारों की तादाद के अंदर होटल हो, लाखों की तादाद के अंदर उमरा ज़ाहिर हो, पीने का पानी मैनेज करना बहुत मुश्किल है सऊदी गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे पानी ख़रीद के पीना पड़ता है या तो फिर आप पानी हरम से भर के लाएं। हाँ, बाकी नहाने का और ज़रूरत का इस्तेमाल का पानी कसीर तादाद में होता है, उसके अंदर इंशाल्लाह यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम बहुत कम देखते हैं कि यहाँ पे किसी होटल के बाहर पानी का टैंकर लगा हुआ हो, तो बाकी तो पानी का इतना इशू नहीं होता। तो ये मदीना से मुतल्लिक कुछ अहम ख़बरें थी, जैसा कि मैंने आपको रूम के हवाले से बताया, जैसा कि मैंने आपको पानी के हिसाब से बताया। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है, बड़ा मुबारक शहर है मदीना। सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत फरमाऊँगा। जब भी उमरा करने का इरादा करें तो कारवाने फल के रज़ा ट्रेवल एंड टूर्स को याद रखिए, क्योंकि हम उमरा बेचते नहीं, करवाते हैं। इस सरजमीन पर जब आप आते हैं, रश का टाइम है, पीक का टाइम है, जवाब नहीं देते, हम खड़े रहते हैं हमारे बंदों के साथ, और भी ट्रेवल एजेंट भाई है जो खड़े रहते हैं, हम भी खड़े रहते हैं कि नहीं यार हमें तकलीफ़ आ जाए, हमारे हाजी को तकलीफ ना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल कारवाने फल की रज़ा को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जज़ाकअल्लाह खैरा, मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में।